फिर अपने वो चुका जी सरपराज का खाना पीता तो सरपराज देर आया तो सरपराज भी
काम हमने
Thank you.
सिर्फ तबलीग
इस्लाम है। इस्लाम और इस्लामी तालीमात को अवाम नास तक पहुंचाना उनका मकसद अव्वल है, और ये भी एजाज उन्हें हासिल है कि उन्होंने जितनी भी किताबें तशरीफ की हैं वो सब की सब खालिस रिजाए इलाही की खातिर छाया की है और फिर आमद मुस्लिमीन में तकसीम की गई है। कोई किताब भी तजारती मकसद के लिए या कारोबार मकसद के लिए तहरीर नहीं है। उनकी मौजूदा तस्नीफ इस्लाम में मस्जिद की अहमियत और मकाम अपने मौजू के हवाले से भी मुंफरिद है और अपने मवाद के हवाले से भी मुंफरिद है। इस्लाम की इम्तियाजी पहचान और इम्तियाजी शनाख्त में जो मस्जिद का मकाम है वो पूरी दुनिया में मुसलमान है। हर एक मजहब ने अपने अपने इबादतखाने तामीर की। जब इस्लाम का वजूद इस दुनिया में आया और उसका ज़ुहूर हुआ तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए इबादत के लिए मसाजिद का क्याम बहुत जरूरी करार दिया। आप देखते हैं कि इस्लाम की तबलीग मसाजिद के जरिए से हुई और मसाजिद के जरिए से ही इस्लाम की हुकूमत का कारोबार भी चला। यूं समझते हैं कि इस्लाम दीन और दुनिया का मजमूए का नाम है। जिस तरह इबादत का जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इस हवाले से मस्जिद सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इबादत का मकाम ही नहीं बल्कि हमारा पार्लियामेंट हाउस भी है, हमारी असेंबली भी है। मदीना शरीफ की मौलिकत जो कायम हुई उसका मरकज, उसका ईमान, उसका कौमी असेंबली का ईमान जो था वो मस्जिद नबवी थी। वहीं से पूरी दुनिया में हुकूमत हुई, पूरी दुनिया में मफूद भेजे गए, वहीं से लश्कर भेजे गए और वहीं बैठकर इस्लाम की तबलीग और शाह का फरीजा सर अंजाम दिया गया और ये बताया गया कि इस्लाम का मकसद ना किशोर कुशाही है, ना दुनिया के मुल्कों को फतह करना है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तबलीग और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना है। हमारी जेर नजर तशरीफ इस हवाले से बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें शुरू में पूरी दुनिया में मौजूद अजीम शान और खुश मसाजिद की रंगीन तस्वीरें शाया की गई हैं। हरमे नबवी से लेकर हरमे काबा से लेकर हरमे नबवी तक और फिर उसके बाद दुनिया के तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम मुल्कों में जितनी भी मसाजिद कायम है उन सबकी रंगीन तस्वीरें मियाँ साहब ने इस अंदाज से इतनी मेहनत से इकट्ठी की हैं कि यूँ लगता है कि जैसे हम खुद उन तमाम ममालिक की सैर कर रहे हैं और उन ममालिक में जाकर उन मसाजिद की ज्यारत कर रहे हैं। इस किताब में शामिल मंदरजात जहाँ किताब मस्जिद की अहमियत को बयान करते हैं, कुरान और हदीस के हवाले से मस्जिद की अहमियत बयान करते हैं, वहाँ उसके साथ साथ दुनिया भर में मौजूद बहुत सारे मसाजिद का अहवाल भी बयान करते हैं। ये किताब जो हमें हमारे मुसलमान होने का तस्वीर देती है, तहरीक पाकिस्तान का तस्वीर देती है। मियाँ साहब ने नजरिए पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान का भी चैप्टर शामिल किया और हमें बताया कि हमने पाकिस्तान किस तरह से हासिल किया। पढ़ने वाले के लिए, कारी के लिए, तालिबे के लिए, आले दीन के लिए, इमाम मस्जिद के लिए, खतीब के लिए इस किताब में बहुत बात है, बहुत मैटर है। ये पूरा थीसिस है, मैं समझता हूँ एक तहकीकी किताब है। इस बार मियाँ साहब ने जितना मेहनत की और इसका अक्सर हिस्सा मस्जिद नबवी में बैठकर अपने अरमान शरीफ के क़याम के दौरान कुछ खाना खबा में कुछ मस्जिद नबवी में बैठकर लिखा है। इस किताब की मकबूलियत और इसकी कबूलियत मुसलमान अल्लाह ताला को इसका अजर इस दुनिया में भी देगा और आखिर में भी देगा। मैं इस किताब के इशार पर इन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आएगा कि इनके कलम से ऐसे महत्व तलाक कारना में मंजर आम पर आते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बमा ले किताब के हवाले से हमारे तालीम जनाब प्रोफेसर सैयद अशार अहमद रशीद साहब नाम से मुख्तलिस हैं, उनको आप सबको पेश करेंगे। जनाब सैयद अशार अहमद रशीद जनाब सैयद शाह हुसैन साहब सामीन और हाजरीन अस्सलाम।
मुकद्दर में है अल मस्जिद ऑफ बिकसर दीन मौजा सबूत यानी मस्जिद बकसर दीन है और इससे मुराद वो मुहाम है जिसमें अपने माबूद हकीकी के सामने जमीन नियाज रखी जाए यानी सजदा करने की जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह जिन में इरशाद फरमाता है वह अंदर मसाजिद मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसे एक बार बयां है कि मसाजिद के अंदर सिर्फ वही आमाल का अंजाम देने चाहिए जो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। कुरान मजीद में एक और जगह पर इरशाद है फलाता तू मा अल्लाह ही अहद मस्जिद में सिवाय अल्लाह के किसी की बंदगी और प्रतिष्ठ ना करनी चाहिए। इस आयत मुकद्दसा की तफसीर में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु यूं लिखते हैं तर्जुमा उसका पेश करूंगा मस्जिदों को सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए मखसूस कर दो अल्लाह के सिवा गैरों के जिक्र के लिए वहां कोई हिस्सा ना हो। हमें मालूम है इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद जो तामीर की गई मस्जिद कुबा है कि जब आप मक्का मौसमा से ही जब फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और शहर में दाखिल होने से पहले बनी अम्र बिन औफ के महल्ला में क़याम फरमाया और मस्जिद मस्जूर की तामीर फरमाई। तकरीबन दो हफ्ते यहाँ क़याम फरमाने के बाद आप मदीना मुनव्वरा शहर में तशरीफ लाए और जिस जगह आपकी सवारी ठहरी आपने वहाँ भी मस्जिद की तामीर फरमाई जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं। एक मुख्तसर से मुद्दत में दो मुख्तलिफ जगहों पर मसाजिद की तामीर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार फरमाना इस बात का सबूत है कि मुसलमान की जिंदगी में मस्जिद मकाम खास की हैसियत रखती है। इस पर वो इसमें मनहूस तकवा और परहेजगारी को अवलियत हासिल है। सूरह तौबा में कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है जिसका तर्जुमा पेश करूंगा सूरह तौबा की आयत नंबर 107 और 108 का और जिन मुनाफों ने इस गर्ज से मस्जिद बनाकर खड़ी की कि खुदा और उसके रसूल के साथ कुफ्र करें मुसलमानों में फूट डालें और उन लोगों को गुनाह दें जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कलाम कर चुके हैं और कसमें खाते हैं कि इस मस्जिद से हमारा मकसद सिर्फ भलाई है सो अल्लाह गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं अगर वे कसमें खाकर कहते हैं कि इससे हमारा मकसद सिवाय नेकी और कुछ नहीं मुकद्दस जिसकी बुनियाद रोज़े अव्वल से ही इत्तेकाब और परहेज़गारी पर रखी गई है वो यकीनन इस बात की मुस्तहिक है कि ऐसे लोगों ऐसे लोग मुस्तहिक है कि आप इसमें नमाज के लिए खड़े हों क्योंकि इसमें ऐसे लोग हैं जो साफ सुथरा रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह भी ऐसे लोगों को दोस्त रखता है। इस आयत मुबारकत में भी मस्जिद के सही असास की निशानदेही होती है कि मस्जिद दरअसल वो मुकाम है जहाँ पर जाने वाला साफ सुथरा रहना चाहता है और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने की ख्वाहिश रखता है क्योंकि अल्लाह हुबुल मुतअल्लिम और अल्लाह पाक लोगों को ही दोस्त रखता है। इस मुकाम पर फायज होने के लिए लाजिम है कि मस्जिद का तकद्दस और उसकी अहमियत और उसका मुकाम अपनी जिंदगी में रासख किया जाए और फिर उसकी समझबूझ लेकर इसका अमलाने आम किया जाए। खुशकिस्मत है वो लोग जो इस कार्य सही को सर अंजाम देते हैं और इन्हीं में से जिन्होंने उन्हीं में से एक जनाब अलहाज मियां अब्दुल करीम साहब हैं आज के इस महफिल के साथ सदर जिन्होंने दीन इस्लाम में मस्जिद की अहमियत और मुकाम के मौजू पर एक ड्रामाया तस्वीर को मुरतब और पेश करने का शर्फ पाया है। आज सदर अदालत सऊदी इस्लाम ट्रस्ट 490 की मदीना चौक वानाबाद फैसलाबाद के रायजी और इसी का प्लेटफॉर्म से तस्कीफ मजकूर मनसा शहूद पर आई है और नौयत में सिलसिला तबलीग नंबर 205 के तहत अशायर अव्वल गमदाब सफर मुजफ्फर 1433 हिजरी जनवरी 2012 के कसास की हामिल है। इस किताब को हम उमर फारूक शॉपिंग सेंटर के काही इंतजार फैसलाबाद जामे मस्जिद अलहाज मोहम्मद रमजान वाली के मुकाबले नियाब गली नंबर 2 रशीदाबाद जामे रोड फैसलाबाद से भी हासिल कर सकते हैं। अपने टॉपिक के लिहाज से 201 सफहात पर मौकूफ करने के बाद मुसनिफ ने रूज औकात कुरान मजीद बरायसान अपने वालदैन करीम और चचा और चची तलावत कुरान मजीद में मुताबिक
22, 23 और 24 और इसके अलावा एक मुख्य टॉपिक मोबाइल फोन की घंटी और मसाले और फिर वाले के साथ एहसास करने का ऐलान करने का हुक्म कुरान मजीद की आयत के हवाले से बयान करके सिलसिले तबलीग को गुना गुना करके अता फरमाई। इस सिलसिले में मुसनफ के दिगर कुतुब के साथ साथ तबलीग और उनके एडिशन अव्वल की तवारीख की मालूमात भी मिलती हैं जिनकी तादाद 10 है। इनके अलावा दिगर कुतुब और मुकालजात और मजामीन वगैरह का भी इशारा हमें इस किताब से मिलता है। जहाँ तक किताब मजकूर यानी कि इस्लाम में दीन इस्लाम में मस्जिद की अहमियत और मुकाम इस किताब का ताल्लुक है, इसके तारीफ का ताल्लुक है, इस जुमले में मैं ये कहूँगा कि जनाब अल्लाह मियां अब्दुल करीम ने इस किताब में इस बात को तरजीह देने की सही की है कि मस्जिद अल्लाह ताला की जानिब से हमारे लिए वसीला है जिनसे सही हिकमत अमली से दावत इलाहिया का हम आगे काम किया जा सकता है। उन्होंने इस सिलसिले में तुर्की के वज़ीर आज़म जनाब तय्यब अर्दोगान का मशहूर तारीखी जुमला भी कोट किया है कि जो उन्होंने मुकाम पर कहा था कि मस्जिद के मीनार हमारी तलवारें और इसके गुंबद हमारी ढालें हैं। इस जुमला की वजाहत करते हुए तय्यब अर्दोगान तुर्की के जुमला की वजाहत करते हुए जनाब मियां अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि उनका कहने का मकसद ये था कि हम चाहें तो मसाजिद के मेहराब और गुंबद से तलबा इस्लाम की आलमी तहरीक उठा सकते हैं और लाजमजनू की किताब का यही एक जुमला उनकी इस मस्जिद के मुकाम के मुताबिक किताब का लुबे लगा दी है। फादर मुसल्लम ने मस्जिद के मीनार की तामीर के मकसद उसकी तामीर और तर्ज तामीर के मुख्तलिफ मजलिसों पर भी रोशनी डाली है। सामईन व हाज़रीन मोहतरम, लफ्ज़ मस्जिद दीन इस्लाम के लिए इबादत मुकाम इबादत के लिए मखसूस है। दीन इस्लाम में जुमला मालूमात का मुआक़िफ़ कुरान मजीद है जिसकी तशरीह और तौज़ीह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार रिसालत सर अंजाम फरमाते हुए नशिस्त व बर्दाश्त के मामलात में मुस्तमद है। मुसन्निफ़ ने खासा और खासा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ के मुताबिक कुरान मजीद मुख्तलिफ़ आयात मुबारक मसलन आयत मुबारक 129 सूरह मस्जिद बैतुल मुक़द्दस जो मौजूदा यरूशलम इसराइल
खिदमतों के और पर परवाज है अब्दुल
कि तारीफ है लतीफ, एक सुहाने दौर का आगाज है अब्दुल करीम। फूल खुशबूदार शेरों के लिए हाजिर हूं मैं, फूल खुशबूदार शेरों के लिए हाजिर हूं मैं, एक फकीरा मेरा अंदाज है अब्दुल करीम। आज मैं हमारे बुजुर्ग मियां अब्दुल करीम साहब की तसल्ली का
जिसका जारी सही रहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि दीन मुबीन का जो इंतहाई बुनियादी यूनिट है, जो एक इंतहाई अहम मरकज है, उसकी तरफ उन्होंने लाई है। और फिर इसमें उन्होंने तहरीक पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। बिलाशुबा तहरीक पाकिस्तान और मस्जिद में लाजम मरजूम है, क्योंकि मस्जिद ने तहरीक पाकिस्तान का अपना रोल अदा किया, और ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान बल्कि बाद में भी हर तहरीक में मस्जिद जो है एक बड़ा मरकज के तौर पर सामने आई। ये तहरीक हत्म नबूवत हो, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो, या तहरीक निज़ाम दफ़न नाम से सरत हो, मस्जिद ने हमेशा अपना रोल अदा किया है। और वाकई जैसा कि जिक्र हो रहा था कि क्या आका ने वहाँ पे अगर हुकूमत कायम की, निज़ाम सरकत कायम किया, तो वो भी मस्जिद नबी में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आज मस्जिद की अहमियत को नज़रअंदाज किए बैठे हैं। और फिर जैसा कि इससे कबल मुख्तर मस्जिद की स्कीम बनाई गई, और फिर आजकल चीफ जस्टिस गाजोली साहब ने इसका जिक्र किया है कि पोलिंग स्टेशनों की कमी की वजह से या लोगों की रीच जो है पहुँच को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे पोलिंग स्टेशन भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे लाइब्रेरी का काम काफी उठाई जरूरी है, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर जो है वो बनाए जा सकते हैं, और उन्हें कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि हमारे इस्लाम ने जो समाज की हमें सफर दिया है उसमें मस्जिद जो है एक इंतहाई बुनियादी अहमियत की हामिल है। और उसमें ये रखा है कि पाँच उत्तर नमाजी है, अगर वो एक नमाजी भी नहीं आता तो दोस्तों दूसरे दोस्तों को पता चल जाता है या आपने इसकी खबर भी कर दी जाए। फिर नमाज जुमा के लिए इससे भी बड़ा इज्तिमा है, तो हमारा दीन जो है वो इज्तिमाइयत का दर्ज देता है। इस तस्नीफ में मुख्तलिफ मालिक की खूबसूरत जो तस्वीर हैं, मुख्तलिफ मसाजिद का जो है उसका जिक्र किया गया है। और फिर यहाँ पे जो मस्जिद अक्सा है जो तकरीबन बीस सदी से यहूदी हैं इस पे काबज हैं, और ना सिर्फ मस्जिद अक्सा का मामला है बल्कि आज आप देखते हैं कि बोस्निया है, चेचनिया है, फिलिस्तीन है, कश्मीर है, अफगानिस्तान है, इराक है, जहाँ भी खून गिर रहा है, तो वो उनका कसूर सिर्फ ये है जो मोहम्मद अली का कलमा पढ़ने वाले हैं। बादल तो इकट्ठा हो गया, लेकिन आज हमें कलमा को मुसलमानों को भी इकट्ठे होना होगा। और जब तक हमारे जो अकाबरीन हैं, जो मुसलमान हुक्मरान हैं, जब तक वो अमेरिका को सुपर पावर मानते रहेंगे, वो खुदा को सुपर पावर नहीं मानेंगे, फिर यही हो चलूगा। हमें ये तजदीद अहद करना होगा कि हम मस्जिद को अपने मरकज बनाएंगे। और फिर मैं यहाँ एक तजवीज़ पेश करना पसंद करूँगा कि मस्जिद तहरीक चलनी चाहिए कि जिससे हमारे समाज में हम एक दूसरे के करीब होंगे। और मसाजिद हैं जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि तहरीक पाकिस्तान हो या दूसरी तहरीक हो, मसाजिद के तीन मराकज हैं। अगर हमने अपने मराकज को मजबूत कर लिया तो बिलाशुबा हमारा समाज मजबूत होगा, हमारी वैल्यूज और हमारी इकदार मजबूत होगी। जब हमारी इकदार मजबूत होगी तो हमारी रियासत मजबूत होगी और फिर हुकूमत मुसलमान मजबूत होगी। शुक्रिया। नौजवान है और जो माशाल्लाह काम हम
अलहमदिल्ला इनका दीन की तरफ शुरू किया। इनके सबसे बड़ी मैं जो बात इनमें देखता हूँ कि जो अल्लाह ने इनका खास कर्म किया है वो इनके सारे मामला के साथ अल्लाह ने इनकी फुला तो इनका परमा बता दिया है। हम देखते हैं इनके साथ में अपने भाई और इनके पोतों का प्यार, तो उन्हें खुशी होती है कि अल्लाह तला ने इनको इस दुनिया में भी जो कहते हैं रब्बा आत्मा उसके मुताबिक इनको एक दुनिया में भी अल्लाह ताला ने साथ भी करवाया और आखिरत में भी उनको अल्लाह ताला इसी तरह करवाएगा। और मस्जिद की अहमियत मुसलमानों के आगे कोई बयान करने की जरूरत नहीं। हदीस है कि जिस शख्स ने मस्जिद से एक बाल उठा के बाहर फेंक दिया गोया उसने एक मुर्दार गधे को उठा के मस्जिद से बाहर रख दिया। इसकी इज्जत और तकलीम और इसकी जो अहमियत है हमारे माशरे में और जो हमारे मुस्लिम में हमारी होनी चाहिए वो किसी से नया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जरूर कहूँगा कि मस्जिद से जिस कदर हमें फ़ायदा लेना चाहिए था उस कदर हम फायदा नहीं ले रहे हैं। मैं बाहर हांगकांग और चाइना की मस्जिदों में मुझे जाने का इतफाक हुआ कि वहाँ हर मस्जिद के बाद उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया है जहाँ वो नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बैठते हैं, उनके चाय के साथ उनकी ज्यादत की जाती है, वो पूरे जो अपने कम्युनिटी के मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर इसी तरह जहाँ भी हम मस्जिद को अपने मस्जिद बना दें और उनसे हम बैठते पूरे इलाके की जो होती है रहनुमाई और पूरे इलाके की खुराक महबूल के मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करें तो मैं कहता हूँ कि इनका मस्जिदों का बेहतरीन इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी मस्जिद हमारे यहाँ पे बड़े ताले इलम और गुलमा मजार बैठे हैं, वो आपको कहेंगे मैं जनाब मियाँ तकरीम साहब को और उनके बच्चों को जिन्होंने इस किताब की तबाहत में उनका साथ दिया उन सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हूँ। और आपने दिन हजरत रहमान के पास खाले साहब को तशरीफ लाए और अपने ख्याल का आजाद करें जनाब रहमान के पास खाले साहब। उनका इशारा है
सिखा, पहला अपना वफाक भी मैं दूसरे खाते हो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिम का निर्देशान ही भाई, मुसलमान है वो उसके हाथ और सलाम से किसी को ईजा ना पहुंचे। दूसरा एक मकाम आता है जो अपने लिए भी मुफीद हो दूसरे को लिए भी हिफाजियत का सोचे। मेरे महबूब का इरशाद है ला यहिब्बु ला यूमिनु ला यूमिनु, वो शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वो अपने लिए जो पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद न करता हो। ये ऊपर वाला दर्जा है, अल्फा दर्जा है। एक दर्जा नसीहत का और है कि खुद भूखा रहे किसी को खिलाए, सुभान अल्लाह, खुद भूखा रहे सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फदीली की, सलाम उस पर के जिसने असरारे मुहब्बत समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म का दर्द बरसाए, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरी या बिस्तर बिछाना था, सलाम उस पर के सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर के खुद टूट कर रह के गौरव को खिलाता था, सलाम उस पर के जिसने जोड़ी ये बल्कि फकीरों की, सलाम उस पर के जिसने उसके खुद दे नसीरों की। ये अल्फाज लगता है कि खुद भूखा रहे औरों को खिलाए, खुद ना पहने औरों को पहनाए। और ये मेरे लिए और आपके लिए सबक है। गारे हिरा में लिखा है, गारे हिरा का मुसलमान को सबसे पहला सबक ये है कि आप इस तरफ लेकर नहीं खाना फल कर इंसान अल्लाह बलम उसके बाद सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में मस्जिद बनाई गई जिसका तज़किरा पीर साहब ने दिया अपने किताब में फरमाया। वो सिद्दीक अकबर की मस्जिद थी, उसको मुसल्ला अबू बकर कहते थे, उसको जाए नमाज अबू बकर कहते थे, और वो फार सारे आकर के कहते थे अबू बकर इस मस्जिद में बैठ कर कुरान पढ़ता है, दिल पिघलते हैं, नमाज पढ़ता है, उसका कयाम पाना, अबू बकर का रुतू पाना, अबू बकर के सदर आना, अबू बकर के सदर आना, अबू बकर के सजदे आला, तो ये नाश करते थे। मिला के हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस बात पर तंग कर दिया, अबू बकर ने हिजरत का इरादा कर लिया। रास्ता में जा रहे थे एक शख्स इब्न तन्ना आया, मियां साहब इब्न तन्ना आया, उससे कहा अबू बकर कहाँ जाते हो, लोग नहीं रहने देते, मस्जिद में नमाज नहीं अदा करने देते, तिलावत नहीं करने देते, मैं यहाँ से कूच करना चाहता हूँ। तो उस वक्त इब्न तन्ना ने तो तसल्ली के अल्फाज Yes, sir.
सर करके काला पट्टा मक्का को कैसे छोड़ सकता है? आप हमारा तशरीफ लाए, ये दूसरी मस्जिद थी जिसकी बुनियाद अबू बकर ने रखी है, ये बैतुल्लाह वाली मस्जिद अबू बकर का मसल्ला। फिर जब हिजरत का मौका आया तो आज अपने मस्जिद के अंदर मेरे महबूब ने मस्जिद की बुनियादों को उस्तवार किया। फिर जब आप मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए, वहां मस्जिद को बनाया दिया, भाइयों के खुदा मस्जिद का बादशाह है, इसका हैसियत है जो मेरे इस किस्म के दिल की हैसियत रखती है, मदद से भी पोजीशन ऐसी है जैसे दिमाग का दर्जा रखती है। जब तक दिल रखता हो, दिमाग का रखो तो वजूद सही रहता है, सलामत रहता है। माशा उस वक्त सलामत रहेगा जब मस्जिद को इज्जत की निगाह से देखा जाए, जब मदरसे को इज्जत की निगाह से देखा जाए। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है मुसलमान मामले, मुसलमान उमूमन बड़े Gracias.
का तस्करा किया है कि ये पाकिस्तान
ये प्यारा पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम तीन मराहल से गुजर कर रहे हैं। इसे हमारे वजूद के अंदर हम लाए, इसकी बुनियादों के अंदर हमारे बुजुर्गों का, हमारे भाइयों का, हमारी माओ का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का किस तरह की शामिल है, उस दर्द का तस्करा है। फिर अपने बुजुर्गों के हवाले से उनकी आवाजों का तस्करा है। और फिर क्या मैं पाकिस्तान के बाद जो तहारीफ पाकिस्तान के अंदर गुमराह होती रही उनका सरसरी तस्करा मौजूद है। अलहदीम की शख्सियत फैसलाबाद के हवाले से इस तारीफ की मौका थी। अगरचे तहरीर पाकिस्तान देखने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने तहरीर के निजामी मुस्तफ़ा अपनी आंखों से देखी है और मैंने मियां अब्दुल करीम के हम कदम होकर उस तहरीर का जायजा लिया है, उसमें शरीक रहा हूँ। मुझे वो लम्हात याद है कि जब हुकूमत वक्त ने यह फैसला कर लिया था कि इस तहरीर को खत्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि इसकी क़यादत को पाबंद सरासी कर दिया जाए, और मियां अब्दुल करीम का जुलूसों की क़यादत करना और टूटा हुआ बाजू पट्टी बांधकर अपने गले में लटका के जलसों से खिताब करना आज भी मेरी आंखों के सामने है। इस तीसरे हिस्से के अंदर उन सारी तहारीफ का तस्करा किया गया है जो क्या मैं पाकिस्तान के बाद हुआ। मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो मस्जिद की अहमियत और अफादियत के हवाले से इतनी खूबसूरत कागज पर खूबसूरत किताब इससे पहले मुझे देखने का मौका नहीं मिला। मैं दुआ करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अलहाज मियां अब्दुल करीम की काविशों को सिर्फ एक कबूलियत अता फरमाए और इस किताब के अंदर जिस दुख का, जिस दर्द का और जिस सिर्फ तरीफ का तस्करा किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनसे सब सीखते हुए इन मसाइल को इस्लाम का मरकज, इत्तेहाद का मरकज, दीन की दावत का मरकज बनाने के लिए तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ के सकते में खवानीन की बड़ी कसर तादाद शरीक है, तो खवानीन के हवाले से उनकी नुमाइंदगी फरमाते हुए नाकाबते जारे के आंखों का मियाँ तरदीम साहब के मोहार साहब दादे ना मियाँ अब्दुल रही साहब की विशेष मोहतरमा शहीन साहब असनीम शहीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने अहमान से नवाजे मोहतरमा शहीन साहब। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین الفاظ تو بہت ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں مختصر الفاظ میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ سکیں یہ تقریر کتاب علم آئے یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ مجھے موقع ملا جہاں بہت جن کے روزگار نے اپنے اظہار کیا جہاں میرے پاس میں ابھی کہوں گی القاصد حبیب اللہ مختصر الفاظ ہیں ابھی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے میں نے اس عظیم شخصیت کو جب سے میرا ساتھ ان کے ساتھ ہے میں نے ان کو اس کا ترجمان دیکھا بڑھاپے میں بھی جوانی میں تو عظیم مثال ہے لیکن آج ہمارے لیے اور عظیم مثال ہے کہ اس بڑھاپے میں انہوں نے اپنے جوان جذبوں سے ایک مشن کو چلا رہے ہیں اور اپنے قدم اٹھایا ہوا ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کسی کتاب لکھی ہے کچھ چند عظیم شخصیات اس کے بارے میں اظہار بیان کریں یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور عظیم مثال ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ غیر متعلق ہے میں جس میاں عبد الرحیم ایکس ممبر تحصیل کونسل
फैसला पा रही थी, इनको मैंने अपनी नजरों में अमली तौर पर देखा, जहां इन्होंने लोगों को पढ़ने के लिए अमली तौर पर ऐसे तहरीरें पेश किए अखबार में, मैंने इनको दो कदम आगे देखा। इसी तरह इन्होंने हमें सियासत के मैदान में चलना सिखाया, दीन के बारे में इन्होंने हमें दीन की दावत का एहसास दिलाया, हमें साथ लेकर चले, सियासत में भी इन्होंने हमें अपने साथ चलाया। एक्स मेंबर होने की हैसियत से बहुत कुछ मैंने सीखा, आज भी इनकी इनकी रफाकत हमारे लिए एहसास का बायस है। जहां हमारा सर फखर से बुलंद है, वहां इनकी इज्जत और एहतराम और आला दर्जे के आगे अपना सर कम करती हूँ, ताकि इनका दस्ते शफकत हमेशा हमारे सर पर रहे और इनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इनकी सेहत के लिए खसूसी दुआ और अल्लाह ताला इनकी मेहनत को अल्लाह ताला तमाम बख्शे और इसके लिए इनको अल्लाह ताला का हुजूर बेहतरीन अजर सवाब अदा करे और आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ताला इसको सबके जारिया भी बनाए और काबिले तकलीद भी बनाए। जहां मेरे मोहसिन ने एक जिक्र किया कि इनके लिए एक खास एजाज की बात है कि इनकी औलाद भी इनकी फरमा बरदार है, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अजीम शख्सियत के हम उस अजीम शख्सियत के उनकी अब बहुत ही मैं जाती हूँ कोई ऐसा खास लफ्ज हो तो मैं बोल सकूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी औलाद हैं, हम इनके लिए हमारे सर का जारिया बन सके। मैं इनकी शख्सियत को देखकर सिर्फ मुतासर ही नहीं बहुत खुश हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औलाद नहीं, अपना घर नहीं, अपना खानदान नहीं, अपना शहर नहीं, अपना मुल्क नहीं, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वालिद मुहतरम अल्हाज मियां अब्दुल करीम खसूसन समाधि कारकुन नहीं खिदमतगार हैं दीन के भी और समाज के भी, इनको अल्लाह ताला सब बुलंदी अता करे और कदम कदम पर अल्लाह ताला इनको बजाय होते नाजिल फरमाए और इनके औलाद को इनके लिए बेहतरीन सरकार जारी फरमाए। आमीन। कहने को बहुत कुछ है, बहुत शुक्रिया साहब। ये पहली चीज जो आपने हमारी इबादत के हवाले से हमें तासला जन बनाई थी, तो अब मैं बात जारिका बोलूँगा हमारे इस्लामी के असरात के रहनुमा इमाम मोहम्मद अजीम अदावत साहब से कि तशरीफ लाए और ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में अपना अख्तान फरमाए इमाम मोहम्मद अजीम अदावत साहब। मोहतरम हादी मियां अब्दुल करीम
सैमन की जो किताब में मुस्तफा की तहरीक थी उसके अंदर इनकी जद्दोजहद के कारकुन इनके साथ होता था और देखता था, और जब से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने इनको दीन के कामों में इस्तेमाल बख्शी है और इतनी अल्लाह की इन पर रहमत है कि इनको साले और नेक औलाद अल्लाह ने दी है। ये बल्ले की तारीफें करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कंप्लीट शख्सियत है कि जिनको अल्लाह भी इतना पसंद करता है कि अल्लाह की रहमत से हर साल इनको अपने घर का तवाफ करवाते हैं। मस्जिद के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी, तो एक बेहतरीन शेर जो है वो भी यहां पढ़ा गया, मस्जिद तो बना दी शाहपर में इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नवाजी बन न सका। ये मुसलमानों का एक कम्युनिटी सेंटर है, मुसलमानों का एक ये मरकज है, मुसलमानों का ये इतिहाद का एक मरकज है कि जहां जब नवाजी पांच वक्त वहां नमाज अदा करता है तो एक दूसरे के बारे में खुशियां और गम जो है वो बांटते हैं, एक दूसरे के बारे में अवेयरनेस आती है कि उसके हालात कैसे हैं, उसकी औलाद कैसी है, उसकी अपनी सेहत कैसी है। ये सारे हालात जो है वो मुसलमान आपस में शेयर करता है जिसके नतीजे के अंदर आपस में प्यार और मोहब्बत जो है पैदा हो, और फिर उसी मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज का इत्तेहाद जो होता है उसके अंदर नवासी इलाके से लोग आते हैं और अपने वहां के मसले मसाइल जो है उसको डिस्कस करते हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को मदरसे का भी दर्जा दिया, इस मस्जिद को अदालत का भी दर्जा दिया, हत्ता के उलमाए इकराम की आप तकारीफ सुन रहे थे कि किस तरह उन्होंने रक्षा फैसला कि किस किस किस्म के लोग इस मस्जिद के अंदर तशरीफ आए और उसके नतीजे के अंदर उनकी किस तरह जिंदगी बदल। आज खवातीन और खवातीन वर्ग के बारे में मुख्तलिफ बातें होती हैं कि इंसानी हकूक के बारे में मुख्तलिफ रोने पीटे जाते हैं, लेकिन बेहतरीन इंसानी हकूक का जो मरदार है वो मसाल है, और बेहतरीन इंसान का जो सबसे अहम हकूक है हक है उसके बारे में कि उसको दौलत से मुक्त किया जाए, उसको जन्नत की तरफ लाया जाए, ये हर इंसान का बुनियादी हक है, उसके जहन्नम से छुटकारा किया जाए। और मस्जिद इसका बेहतरीन जरिया है कि वहां लोगों की गैदरिंग, लोगों का मेल मिलाप जो है वो आपस में इस दीन को शेयर करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर इंसानी हकूक जो है उनको भी देखा जाता है और इंसानी जो मसाइल है उनको भी देखा जाता है। आज बदकिस्मती यही है कि हमने मुख्तलिफ अपनी अपनी मसाइल बनाई हुई है, बड़े बड़े शराबी जो है आपस में बैठ के इकट्ठे शराब पीते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता, बड़े बड़े खराब लोग आपस में अपनी फैसले मरकम करते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्यों जब हम नमाज भी पढ़ने जाते हैं, जब अल्लाह के हुजूर में इकट्ठे होते हैं तो क्यों हमारे खिलाफ पैदा हो जाते हैं। इस महफल में किताब के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात करनी थी
एक तो मैंने तकरीबन पहले सफे से लेके आखिर तक 3 बार काम कर दिया, लेकिन वक्त कम है और बहुत बड़ा स्टेज पे असासा बैठा है, लेकिन मैं इस मौके पे अपनी बात महक साहब अल्फाज में आप तक पहुँचा के इरादा करता हूँ कि जब मैं यहाँ आया हूँ मुकर्रमीन खिताब कर रहे थे, मियाँ साहब की कफियत देख के वल्लाह मेरे दिल में भी बहुत ना एक अजीब किस्म की कफियत आई हुई है और यही इस मकबूलियत का स्वाद है इस लेवल का जिसने भी इंफरादी तौर पर इज्तमाही तौर पर उम्मत की खैरखाई के लिए मिल्लत इस्लामिया की पढ़ाई और खैर और सरफराजी के लिए कोशिश की। वही शख्स जो है अल्लाह के नजदीक सरफराज है और वही शख्स जो है इस दुनिया में भी जो तरबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के कोई है कोई श्रद्धा है उसके लिए अल्लाह इस दुनिया में भी खैर और बरकत के दरवाजे खोल देता है और आखिरत के दरवाजे खोल देता है। तो मैं जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं तर्जमान इस्लाम सदर नजरिया पाकिस्तान फोरम मियां करीम साहब दामन बरकात मलालिया को, इन्होंने अपनी इस किताब में उम्मत का माजी हाल और मुस्तकबिल उसे समझा है। इस किताब के पढ़ने से जहां तक मुझे पता चला कि उम्मत का रूह इज्जत सरफराजी का आज अवाम आलम की इमानत इसको मुयसर है। जब तक ये मरकज से जुड़ा रहा, जब तक उम्मा अपने मरकज से इस रिश्ता को जोर न पड़े उस वक्त तक ये इज्जत सरफराजी के दरवाजे खुदा ने हम पे खोल के रखे। जब मरकज से मियां साहब ने इसमें यही रुकता यही जगह देखती है जब मस्जिद से रिश्ता कमजोर होगा जिंदगी रसवाई हमारा बहुत बहुत आज जरूरत है कि फिर ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो उम्मत के लिए तड़पते हैं जज्बा रखते हैं और फिर उनका एहराम देख लें कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह है अपनी किताब उस्ताद मुहद्दिसीन में लिखते हैं जिन्होंने उम्मत के लिए लड़ते हैं जिन्होंने खैर खाई की उम्मत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उम्मत तक पहुंचाई। कहते इमाम बुखारी मोहम्मद बिन अस्मई जब इंतकाल फरमा गए तो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने तारीफ करते हैं कि लोगों ने ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चौक में खड़े हैं और कई बहुत उदास रहते मखमूम है। दरियाफ्त करने पर फरमाया दीन का खादिम मोहम्मद बिन इस्माइल आज रिहत कर गया है और मैं मोहम्मद उसे दे रही हूं। जो लोग दीन की खिदमत करते हैं उनका फिर ये इतिहास कहां गए लोग यहां तक करीम साहब का वजूद हमारे लिए वैसे गनीमत है। अल्लाह इस उम्मत में ऐसे लोग हर दौर में पैदा होते हैं होते रहेंगे और सर साहब ने लिखा कि लोगों ने देखा कि काजी इयास दरबारे मुस्तफा में हाजिर हो रहे हैं ख्वाब ने देखा शाह अब्दुल अजीज साहब ने कहा लिखे काजी साहब ने काली इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहे हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के
वो अपने साथ बैठाए। रियासत किया गया, ये इससे कैसे खातम लंबिया है, जिसको खातम लंबिया खातम मुर्सलीन सैयद मुर्सलीन ने अपने साथ बताया, इसकी वजह क्या थी? तो बताइए जनाब, इन्होंने सीरत मुस्तफा करीम की जिंदगी को उम्मत तक पहुंचाया, इसलिए हुजूर की जिंदगी खराब हो। तो मेरे भाइयों, मियां साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह इनको
जनाब अल्लाह मियां अब्दुल करीम साहब से मेरे तशरीफ लाए और आजादियां फरमाए जनाब मियां अब्दुल करीम साहब। नाम मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सदरे करामी कदर अलहाज शेख महमूद रशीद साहब का मुबारकबाद मानिया और अलामत अल मिल्लत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर साहब का मुबारकबाद मानिया जनाब अलामा ताहिर महमूद साहब काफी जो हकीकी मैं समझता हूँ अपने वाले मरहूम की पुकार ललकार और दावत की तस्वीर है और यहाँ मौलाना सादत सिद्दीकी साहब भी तशरीफ फरमा है और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग वार जनाब जज मोहम्मद अजीज रंधावा साहब जो अमीर जमात इस्लामी जिला फैजाबाद है और इसी तरह मेरे दीगर शाही यहाँ स्टेज पर जो बैठे हैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ दो बातें करनी क्योंकि मैं अल्लाह से फरा मांगता हूं मैं सिर्फ काम करीब हूं मुझे अपनी हकीकत खुदा गवाह है महसूस होती है बंदा करीब तू तो अब्दुल करीम है और तेरी हकीकत कुछ भी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करीम का कर्म है और मेरे शफीक और दोस्तों वाले चर्चा चर्चा उनकी दुआएं बचते हैं अल्लाह ने कभी कदर मैंने एक बात कमी है वो ये है मस्जिद के बाद में जब मैं पहली दफा हाजिर हुआ था और इस दफा आखिरी मरतबा जब आप जाया हूं तो मैंने कहा आदीस भी पढ़ी जो लिखी हुई है और इस बात को भी समझा नापा तोला परखा और जांचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने मस्जिद कुबा में आकर दो नफर अदा किए उसने उमरे का सवाब मेरे भाइयों आप अंदाजा करें कि उम्र का जो सवाब कितना है तो आप करेंगे सही करेंगे मकाम पर हाजिर होंगे और दुआ करेंगे फिर भी पता नहीं कोई कमी रह नहीं जाए रह जाए लेकिन यहां पर मेरे आका वाला जिनके बदल करना फरमाया मेरा भी आपका जिक्र हमने तमाम तमाम इंसानों से फरिश्तों से तमाम मखलूकात से तमाम जहानों से आला बनाया है आप भी कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर तबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करोड़ों दोस्तों सलाम वहां मस्जिद कुबा में हाजिर था तो मेरे सामने वो नक्शा आ गया आपको मैं ये सिर्फ याद कराना चाहता हूं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता
मेरी एक शांत है, मेरी एक खुश है, और ये मेरा बार बताओ और मेरा औलाद, ये सब पाकिस्तान के लिए है, जिनकी अकूत को रक्षा के लिए है, और इंशाल्लाह मैं करता हूँ और करता रहूंगा। मेरा बार शुक्र
प्रिया के नाम जानकर प्रेम साहब, मुझे ये बड़ी सहादत है कि 1990 से अब तक नवोदत फलाही अदारों में जिला मियाँ अकबर प्रेम साहब के साथ इस शहर में काम कर रहा हूँ। हमने कौशल के प्लेटफॉर्म से जिसके मियाँ अकबर प्रेम साहब चेयरमैन है और ये खादर मस्जिद कासमी उसका जनरल सेक्रेटरी है, हमने उसमें जो मिसाल काम किया अलहमदुल्ला आजाद कश्मीर के पहाड़ों से लेकर जनाबादी काम के इलाकों तक और शराबशुदा इलाकों तक हमने सलाम में काम किया। और मैंने हमेशा देखा कि मियाँ अकबर प्रेम साहब एक सिपाही की तरह एक बहादुर की तरह इन्होंने हर मुकाम पर हर मुहासर पर हमारा साथ दिया। और अब हम गुज़श्ता एक साल से इस फैसलाबाद शहर में नज़रिया पाकिस्तान फोरम के प्लेटफॉर्म से गाँव के लोग हालों में नज़रिया पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में मतलब के आधार कैंडा को उजागर कर रहे हैं। मैंने बार बार देखा कि जनाब मियाँ अकबर प्रेम साहब इशार भी करते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, बहादुर भी हैं, शेर भी है, त्रेर भी है और सबसे बढ़कर प्यास भी है। इनका दस्तरखान भी बड़ा वसी है, इनका दिल भी बड़ा वसी है, इनकी नज़र भी बड़ी वसी है, इन्होंने इस्लाम के हवाले से भी बहुत काम किया है और अभी कर रहे हैं। मेरी दुआ है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनका सारा हमारे सब पे काम दाम रखे और इनकी शफ़क़त और इनकी जो मोहब्बत हम दोस्तों को 20 साल से हासिल है, अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह हिम्मत के साथ सेहत के साथ हमारे सब पस्ती करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप तशरीफ लाते हैं फैसलाबाद के बुजुर्ग आदमी दीन पाकिस्तान के सीनियर अफसर जनाब मौलाना मोहम्मद यूसुफ अंबर साहब, मैं उसे अपने सर को तशरीफ लाए जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अंबर साहब। सेहत कामला आज का साथ अभी जिंदगी जो है
यही की तारीफ और यही की तस्वीर बहुत बड़ी बात है। दुनिया का बाकी है बल्कि मुझे ये शहादत हासिल हुई कि मैंने एक मरतबा लोधी गार्ड में उनकी शहादत में एक नजर पड़ी कादियानी के खिलाफ कपड़ों ने एक रुपया खास अपनी जेब से निकाल कर मुझे इनाम दिया। मैंने उनका जिक्र खैर इसलिए किया है कि वो बहुत बड़े शकीक थे लेकिन कोई तस्लीफ आज दुनिया के अंदर उनकी मौजूद नहीं। तो ये किताब एक ऐसी चीज है जमानी किताब ये साथी भी है और इसके बाद भी दुनिया से जाने के बाद भी हर इंसान का वो फानी है किताब की सूरत में वो जिंदा और तबंदा रहता है। तो इस किताब के जरिए अगर कि उन्होंने बाकी किताबें और भी लिखी हैं लेकिन ये अजीब किताब है महफिल है इससे न सिर्फ इस शहर में बल्कि बाकी पाकिस्तान भर में आवाम में इंसान में इंशाल्लाह अजीब से पदीराई आदर होगी। सर्वे जो नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद मुबारक में सफाई किया करते थे झाड़ू किया करते थे उस दिन खुल गया हजूर अलैहिस्सलाम ने उसे ना देखा सहाबा किराम से पूछा हजूर को हुआ कहाँ है जो मस्जिद की सफाई किया करती है। हर किया कि हजरत को बीमार हुई फौत हो गई हमने जनाजा पड़ा और उसको दफना दिया। हमने आपसे अर्जना किया कि एक मामूली हो एक बुरी अभी एक औरत थी आपने बढ़ा दिया तो
मेरे बुजुर्ग साहब और
مکرم علامہ ریاض کرم صاحب اور مولانا احمد نواز صالح صاحب اور اس سے پہلے جتنے مقررین آئے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے بیان کی ہے، اور ایک ہماری محترمہ نے میاں صاحب پر جو تعریفی جملے ارشاد فرمائے ہیں اس سے بھی میاں عبد الکریم صاحب کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہو اپنے سسر کی تعریف ہے، جائے آپ ایسا بات کے اندر ہر گھر میں 90% لوگ ایسے ملیں گے کہ بہو اپنی ساس اور سسر کو برا کہتے ہیں، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب میاں عبد الکریم صاحب کو کہ انہوں نے اپنے بیٹیوں کی طرح اپنی بہو کو بھی بیٹی یہ بھی اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ جناب انجینئر عظیم رضا صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی بات کی اور اس سے پہلے بھی ہمارے پیشو مقرر نے بھی بات کی کہ مساجد آج بدقسمتی ہے کہ نفرت کو اپنا پیغام دیا جاتا ہے، میں ان کی توجہ ان کی قیادت کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی حالیہ چار دنوں میں بلوچستان کو ہم سے الگ کرنے کا منصوبہ جو امریکہ نے بنایا تھا تو اس بلوچستان کو بچانے کے لیے ان کے قائد منور حسن صاحب پہنچے، ہمارے قائد مولانا سمیع الحق صاحب پہنچے، مولانا مدھیانوی صاحب پہنچے، تمام مقام میں فکر کے علماء پہنچے، کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ یہ ملک بنایا تھا اور اسی ملک کو بچائیں گے بھی علماء کرام، دہشت گردی تھی، فتو و قتال کا بڑا گرم تھا، تو وہاں پر جا کر اگر امن کا درس دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کیا، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی بات کی، تو یہی مسجد سے پڑے ہوئے ملاؤں نے کی تھی، مسجد سے پڑے ہوئے علماء نے کی تھی، آج کہاں ہیں وہ سیاسی جماعتیں؟ پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ، کوئٹہ کے اندر، کراچی کے اندر، گلگت کے اندر، بلتستان کے اندر، تو اس آگ کو اگر کوئی بجھانے کے لیے نکلتا ہے تو اس مسجد سے بڑا ہوا مرغا نکلتا ہے، اس مسجد کی اہمیت تھی، ہوگی، قیامت تک رہے گی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر جو میرا امتی جہاں نماز پڑھے گا وہی مسجد کی زمین ہوگی، اور پوری دنیا کی مساجد اور پوری دنیا کی وہ ٹکڑے کل قیامت کے دن محفوظ رہیں گے جہاں پر سجدے اللہ کی ذات کو کیے جائیں گے، اور میں انہی الفاظ کی روشنی میں بیت اللہ کی تعمیر کی طرف بھی آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس وقت جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنا کر کی تھی کہ یا اللہ اس بیت اللہ کو ہم نے بنا دیا، اسماعیل نے بنا دیا، ابراہیم نے بنا دیا، یا اللہ اس کو بچانے کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو چاند چاند لگانے کے لیے محمد رسول اللہ تو تعلیم یہ غیر ملکی باطل قوتیں پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہیں کہ اسلام خواتین کی تعلیم کے خلاف ہے، الحمدللہ ہم نے مسجد کے ساتھ بچیوں کے لیے باپردا قاسمیہ کالج آف کامرس اینڈ سائنس کا اوپن قائم کر دیا ہے جس کے اندر ایف اے ایف ایس سی بی اے بی ایس سی اس کی تعلیم آپ کی بچیوں کو باپردا فراہم کی جا رہی ہے، تو میں آج اس کتاب کی خوبصورت تصنیف پر اپنے بزرگ اور اپنے والد محترم کے بہادر ساتھی جناب میاں عبد الکریم صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو، ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بہت عظیم کتاب ہے اور اس کتاب سے آپ استفادہ حاصل کریں، مسجد کی اہمیت، بیت اللہ سب سے بڑی مسجد ہے کہ جس کے اندر ایک نماز پڑھیں گے تو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، مسجد نبوی جو میرے پاؤں پہ
पैगंबर की मस्जिद है, उसमें एक नमाज पढ़ेंगे 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। मस्जिद अक्सा की ज़ियारत कीजिए, ये मसाजिद अल्लाह का घर है। मस्जिदों से हमेशा अमन का पैगाम मिलता है, मस्जिदों से हमेशा मोहब्बत का पैगाम मिलता है, मस्जिदों से हमेशा सलाकत का पैगाम मिलता है, मस्जिदों से हमेशा प्यार का पैगाम, प्यार का दर्ज किया जाता है, यगानगत का दर्ज किया जाता है, वहदत का दर्ज किया जाता है। कोई मौलवी कोई मस्जिद निफाक की बात नहीं करते, दहशतगर्दी की बात नहीं करते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जाए ब्लैक मार्केट के नुमाइंदे जो रेवेंड डेविस गिरफ्तार हुए थे, उनकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन उसको पढ़ लीजिए, उसके अंदर ये बातें साबित हो चुकी है कि हजरत अली अल-बेरी के मजार पर धमाका ब्लैक मार्केट ने करवाया था। आप पतन शरीफ उसके मजार पर धमाका ब्लैक मार्केट ने करवाया था, और अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह कराची में उसके मजार पर धमाका उन्होंने करवाया था। तो पाकिस्तान के अंदर मिलियन चेती काउंसिल के अंदर भी तमाम उलमा मुत्तहिद और मुत्तफिक थे, और आज भी दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के प्लेटफार्म पर मुनव्वर हसन हाफिज सईद मौलाना लुधियानवी मौलाना सलीमुल्लाह पर तमाम मकाम पे फिक्र मुत्तहिद और मुत्तफिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। चूंकि इस किताब के अंदर ये बात भी आई नजरिया पाकिस्तान तहफ्फुज़ है पाकिस्तान, तो हमारे ताजर हाजी आबद साहब तशरीफ फरमा है, हमारे बुजुर्ग ताजर अहमदा हाजी बशीर साहब तशरीफ फरमा है। मैं माजर के साथ हाजी अब्दुल करीम साहब की इजाजत से एक जुमला अपनी तकरीर के आखिरी जुमलों में मजीद कहना चाहता हूँ कि फैसलाबाद के ताजर इंडिया के अंदर जो तजारती सिलसिला शुरू हो चुका है, ये पाकिस्तान के नजरिया के खिलाफ है। आज पाकिस्तान के अंदर इंडिया का प्याज, इंडिया का आलू, इंडिया की सब्जी, इंडिया का चावल, इंडिया का कपड़ा वो यहाँ फरोख्त होगा तो पाकिस्तान के ताजर क्या करेंगे। हमारे ताजरों को वहां बुलाकर खूबसूरत दावते इंडिया को कर रहा है, और हमारी हुकूमत तजारती वादे कर रही है, मगर ये सब कुछ नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। क्योंकि ये स्टेट मियां अब्दुल करीम साहब की सारी जिंदगी इस पे गुजरी है, और हमीद नदामी मरहूम का जो ट्रस्ट है उसमें भी अल्लाह तशरीफ फरमा है। तो इनकी फसादत से, इनकी दुआओं से आज की इस तकरीब में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो फैसलाबाद के ताजर इंडिया की तजारत के हक में बयानबाजी कर रहे हैं, वो खुदा फैसलाबाद की वजूद अवाम पर, फैसलाबाद की तजारत पर, मुल्क पर रहम करते हुए अपने बयान को वापस लें। आखिर में मैं फिर मियां अब्दुल करीम साहब को खराज तासीर पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह मजीद आज इस तकरीब जो मस्जिद के नाम पर बनी और इसमें जो शामिल हुए हैं, जिस तरह हम यहाँ इकट्ठे इस वक्त इस हॉल के नीचे जमा है, मेरी दुआ है क़यामत के दिन अल्लाह हमें जन्नत के अंदर भी इकट्ठे जमा फरमाए। अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ
कि आज मैं ऐसी महफल में जो बड़ी ही माशाल्लाह पुरनूर ही महफल है और जिस मकसद के लिए ये महफल सजाई गई है, हम सियासी लोग सियासी बातें करते हैं लेकिन इतने उलमाए कराम के दरमियान जिनको मैंने अभी भी सुना और अपनी जिंदगी में हमेशा सुनता रहता हूँ, उनकी मौजूदगी में मैं इतना कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं सबसे पहले मियां को करीम साहब को और उसके खानदान को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक बहुत ही आलीशान किताब मस्जिद के नाम से जो लिखी है, मैं समझता हूँ कि अगर हम ये किताब हमें उन्होंने दी है अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि वो हमें पढ़कर इस पर अमल करने की तौफीक दे। और मैंने ये किताब मुझे दो चार दिन पहले मिली थी। ईमानदारी की बात है, जब वो मैं पहले सफ़े से लिखी की और इस बात पर मैं बात बात करता हूँ कि पूरी दुनिया की मसाज इतनी मेहनत करके मियां अब्दुल करीम साहब ने यानी खाना खुदा खाना कावा से लेकर उस बार की उस जामिया मस्जिद तक उन्होंने इतनी मसाजिद की तस्वीर उसमें दर्ज की है, दिखाई है। जब वो एक एक पर पलट कर सफा देख रहा था, ईमानदारी की बात है कि मेरा ईमान जो है ताज़ा हो रहा था। और मैं जब वो खासतौर पर बाकी मसाजिद को शायद मैंने ना देखी हूँ लेकिन मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की मसाजिद जो है जब उनको मैं देख रहा था तो मैं ऐसा लगता रहा कि दोबारा शायद मैं किसी हज के ऊपर वहाँ पर फिर रहा और मुझे वो शहादत नसीब हो रही। यहाँ पर मस्जिद के हवाले से बातें हुई हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए मस्जिद जो है इतनी बड़ी पावर है कि जिसमें हम दिन के अंदर पांच वक्त जाते हैं, एक मोहल्ले के जितने दोस्त हैं जितने साथी हैं, जब हम किसी मस्जिद में जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा वहाँ का एक जमात की शक्ल है। जब वहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैंने देखा है, इसमें तो अपने मोहल्ले की मस्जिद की बात करता हूँ, वहाँ पर अक्सर वो अपने अपने मसाइल एक दूसरे को वहाँ पर बता भी देते हैं, उनको हल करने के लिए। इस शाम से हट के मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के जो मसाइल हैं, मस्जिद एक ऐसी जगह है जिसको हल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये हुक्म दिया है कि आपने पांच मरतबा वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ी। और जब हम किसी जामे मस्जिद में जुमा के लिए हाजिर होते हैं किसी मस्जिद के लिए, तो आठ दिन के बाद वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर इतने लोग इतने साथी दूर दराज से वहाँ पर आकर बैठते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हमें एक मौका फराहम कर दिया है कि आप इस्लाम के बारे में दीन के बारे में दुनिया के बारे में जुमे के दिन आप जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आप उसको भी डिस्कस करते हैं। आज अपनी हाजिरी करवाने के लिए कि शायद इसी के सकते अल्लाह तबारक तआला हमारे गुनाह को माफ़ करा दे, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मेरी हाजिरी जो है वो अल्लाह तबारक तआला दूर फरमा दे। आखिर में फिर मियां अब्दुल साहब को और इतने दिन के साथी इनको मैं आज से नहीं बल्कि इनकी अपनी तो एक साफ का खेल है जो जिसको हम हमेशा कर सकते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक को
या कोई और इस्लाम के बारे में तहरीक हो, तो मैंने लिखा है कि अल्लाह के फजल करम से ये हमेशा सही फहरिस्त रहे। और मौलाना मोहम्मद ज़िया कासमी साहब, इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन मैं समझता हूँ कुछ उनका जो किरदार है, उनके आमाल जो हैं, वो अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी जिंदगी जो है वो आगे चलते रहते हैं। उनको जिनको हम सदका जारिया कहते हैं, ये किताब लिखी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनका एक असासा है जो सदका जारिया होगा, जो पढ़ेगा ऐसे कपड़े को जरूर दुआ देगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने ये किताब लिखी है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये तौफीक दे कि हम ऐसी किताबें जिनका महबर बम्बा कुरान पाक है उसी से सारी बातें निकल से जानती है। मैं समझता हूँ हमें कुरान की तालीम जो है उस पर भी हम करने की तौफीक का हमें बहुत शुक्रिया। किया गया और मुझे ये भी पता है कि मौलाना जाऊद कासमी साहब जब
जब अपने आप को पकड़ में फेंक कर लाए थे तो उनको भी मेरे सामने ही वो जितनी प्रतिशत था उसको रिश्ते किया। दोबारा मैं उनको राजेश अजीम पेश करता हूँ और मौलाना जाओ काशी साहब कह रहे थे कि ये इंडिया के साथ तैयार, तो जनाबे वाला मुझे भी कहा गया था कि मैं उस वक्त के साथ शामिल हूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया मैं उस वक्त के साथ नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ बहुत मजीद नामी के कि हम उस वक्त इंडिया जाएंगे जब हमें टैंकर बैठने का मौका मिले, बैठकर पाने का मौका मिले, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका इस वक्त हमारे मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो हमारी सलामती को, हमारे मुल्क की बका को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, वो इस मुल्क को सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं, वो दुनिया के नक्शे पर कह रहे हैं कि 1920 के बाद पाकिस्तान नाम कोई मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। लेकिन मैं कल भी मैंने वहाँ एक बात कही थी बकौल मौल जफर खान के कि तुम अपने जबर पे ना आना हो वक्त से पहले, तुम अपने जबर पे ना आना हो वक्त से पहले हमारे सब्र की उस्ताद ना कहाँ से बचो, बचा लिया तेरे तोपों ने और तफंगों ने मदद जब है किसी मजदूर की को आज कर। और जनाब आज मैं इस हाउस के लिए से और ग्राम बैठे हैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वर्ग के कादर अल्लाह के फजल से मुहब्बत वतन है और वो अपने वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी, जानी माली हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और वो किसी ने कहा ना कि फुलाना खास्ता अगर मेरे मुल्क पर कोई बुरा वक्त आया तो मेरे हमला ही इस तरह करेंगे जाने निसार, मेरे हमला ही इस तरह करेंगे जाने निसार कि जर्रे जर्रे को मफरत की दुआ देनी पड़े। और इतना कर दूंगा मैं माँ की मोहब्बत को बुलाऊंगा तो दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े। صلى الله على النبي وعليه وصحبه